हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आज ये स्पेंसर्स के लिए स्टॉक, एक बढ़िया स्टॉक के लिए बात करेंगे। ये फ्यूचर को थोड़ा कंपटीशन देने वाला है आम ऑनलाइन सेल्स को, और कोई भी इसमें मर्जिंग का जो भी बात होता है, पहले स्टेप इसमें आता है। तो आपको पता है फ्यूचर ग्रुप का जो भी हो रहा है हालत, तो वो अलग है, ये इसका हालत अलग है। ये थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, तो इनका लास्ट नैरो में पहुँच चुका है। आपको कोविड का इफेक्ट है इसमें भी बहुत ज़्यादा पड़ा है। अभी इसका स्टोर्स भी बढ़ गया है और इसका बिजनेस भी बढ़ा है। जैसा स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करता है, तब इसमें आप सिंपल चीज़ यही सोचना है, सब इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न इमीडिएट नहीं होता है। जैसा स्टॉक्स में आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, आपको बहुत लॉन्ग टर्म में रखना पड़ता है जैसा स्टॉक्स को। इसमें हर चीज़ चैलेंजिंग, हर क्लियर क्लियर इंडिकेशन देखता है इसमें से बहुत ज़्यादा। ये हर चीज़ इधर सेल होता है, ऐसा नहीं है सभी इधर से यही होगा। ऑलमोस्ट ऑल एवरीथिंग इधर सेल होता है स्पेंसर में। जो स्पेंसर्स होता है स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सर्स होता है जो भी कंपनी का माल इधर ला के रख सकते तो इधर से वो भेज सकते। जैसा है इनका इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहता है, जो कंपनी से उनका माल लेकर आके इधर रखने का चीज़ इनका पास प्रैक्टिस है। तो इसका इन्वेंट्री जो भी है, आउटसाइड इन्वेंट्री ज़्यादा रहता है, इनका कम रहता है, तो इसका मार्जिन उनको सबको शेयर करना पड़ता है इसमें। इसका वैल्यूएशन है और लाइट वैल्यूएशन हो गया, और इसका जो भी मैक्सिमम चार्ट देखा तो इसमें आपको इसका पहले 180 को देखने के लिए मिलेगा इधर। इधर वैल्यूम क्रिएट हो रहा है, तो वैल्यूम को भी देखेंगे एक बार। टेक्निकल इंडिकेटर में गया तो आपको वैल्यूम मालूम हो जाएगा। तो इसमें वैल्यूम से आपको इधर से देखा नहीं होगा, इसमें आपको वैल्यूम क्रिएट हो गया। इसमें इंक्रीज देखने के लिए मिल जाएगा आपको जरूर, बाकी डिलीवरी परसेंटेज है। इसका सिंपल मूविंग एवरेज है, सभी रेस्पेक्ट करके ऊपर चला गया। जैसा शेयर होल्डर का पैटर्न देखा तो इसमें प्रमोटर का 56.5 है, वो थोड़ा बहुत इंक्रीज होके बाद में पूरा फ्लैट दिख रहा है। और दूसरा FIS है, इसमें माफ करिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था इसमें। इसमें जो भी फंडामेंटल लेवल्स है, हर चीज़ इसमें बात करेंगे, इसका जो भी ये डिविडेंड पे करते क्या, नहीं तो इसका मार्जिन क्या क्या है, इसका PE रेशियो क्या है, ये सभी देखेंगे। अभी इसमें एक छोटा न्यूज़ आया था, वो भी चेक करेंगे। स्पेंसर रिटेल्स Q1 रिजल्ट्स, नेट लॉस 17 करोड़, रेवेन्यू अप 7%, एंड दिस इज़ बेसिकली RP ग्रुप है, RP का ग्रुप क्या है, ओन फूड एंड ग्रोसरी रिटेल स्पेंसर्स रिटेल ऑन थर्सडे रिपोर्ट ओवर 7% ग्रोथ इन स्टैंड लोन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग 472.23 करोड़ फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग जून। वाइल लॉस आफ्टर द टैक्स रिडक्शन सिग्निफिकेंट ऑफ 16.94 करोड़ इन द प्रीवियस अंडर रिव्यू एज कंपेयर टू 46.79 करोड़ क्लॉक ए ईयर बैक। इसको इनका ग्रोथ है अप एंड अप में बहुत अच्छे से रिटर्न देने के लिए मौका मिलने वाला है आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वार्टर में जरूर ये प्रॉफिट में होगा जैसा लग रहा है। इसमें जो भी एंट्री पॉइंट होता है, 92 इज अवर प्रेफरेबल एंट्री पॉइंट होता है। और दूसरा न्यूज़ यही है। इनका जो भी AGM है वो 18 अगस्त को इसका AGM है, शायद कल है, कल इसका AGM है। इनका AGM में क्या क्या न्यूज़ आता है वो भी मैं कल आपको जरूर मैं बताऊंगा स्पॉन्सर्स में। आपको कुछ इसका जानकारी और जानकारी चाहिए, ज़रूर आप इसमें पिंग कर सकते हैं अपना व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।